So are you confused what to do after your BDS? Need not to worry, you have opened the right video. Watch this video till end to have further clarity about your future. So let's begin the video without any delay. Let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे ही फाइनल ईयर कम्प्लीट होता है एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और इंटर्नशिप पीरियड जो स्टार्ट होता है वो टोटली रिलैक्सिंग होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल फोर ईयर्स जो हमारे निकले हैं, सारों में हमने पेपर दिया जैसे भी है। तो जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है और बहुत ज़्यादा स्मूथली निकलता होता है सभी का। ओके, तो इसीलिए उस रिलैक्स पीरियड में तुमने जो तुम्हें अब 12 मंथ्स मिले हैं पूरे इंटर्नशिप का, तुम्हें उसमें सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो, या तुम अब तुम्हारे पास 12 मंथ्स है, तुम 12 मंथ्स में सारी पोस्टिंग्स लगाते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आगे अपना फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा जब तुम्हारा इंटर्नशिप पीरियड ख़त्म होता है या जैसे तुम्हारा इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है तो उसमें तुम क्या क्या ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप। ओके, और तुमने इंटर्नशिप के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना उन ऑप्शन में से या कोई भी ऑप्शन चूज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो ना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा अपना टाइम जो है वो ख़राब कर देते हैं जस्ट कन्फ्यूजन में, या फिर किसी फ्रेंड को देख के हो या किसको सोचते हो कि हाँ ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे। तो ये सभी के साथ होता है, ऐसे ही तुम्हारी इंटर्नशिप ख़त्म होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ काफ़ी ऑप्शन मैं लगाऊँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा सारे ऑप्शंस का। अगर आपको कोई वीडियो में जो टॉपिक है आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए उस टॉपिक के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही फाइनल कंप्लीट होता है वैसे ही स्टूडेंट्स MDS के लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी डेंटल अकेडमीज में लग जाते हैं या कोचिंग लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, या खुद भी पढ़ने लगते हैं, सेल्फ स्टडी भी करने लग जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज MDS कि तुम जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो उसमें क्या है कि आपको जो MDS है वो ये नहीं है कि आपने फाइनल ईयर के बाद ही पढ़ना शुरू करना है, ऐसी कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ। इनफैक्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का प्री डिसाइडेड होता है कि हमने आगे जो मर्जी हो जाए PG करनी ही करनी है, तो वो क्या करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर ओनली वो शुरू कर देते हैं पढ़ना। ओके, बट वो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है, ना भलक होने देते हैं इस चीज़ की, ना किसी को पता लगता है कि वो पढ़ रहे हैं। तो ऑल दो पहले ही सारी कॉम्पिटेटिव बुक्स ले लेते हैं, जैसे डेंटल पर्ल्स होगी, नीट MDS की होगी, काफ़ी बुक्स हैं मार्केट में, वो ले लेते हैं एंड उसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज MDS। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो MDS के लिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड माइंड सेट होता है कि हमने MDS करनी है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है टू द इंटरेस्ट ऑफ फील्ड, उनका जहाँ पे भी इंटरेस्ट है। ओके, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा फॉलो करना अपना पैशन। अगर तुम्हारा पैशन है कि तुम PG कर सकते हो तो कि हाँ मैं कर सकता हूँ तभी ही जाना, नहीं तो PG नहीं करना। ओके, नहीं तो और ऑप्शंस के बारे में जो आपको बताने लगो आप उसमें भी कोई ऑप्शन देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने अभी आपके बारे में आपको बताया दैट इज़ MDS। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं, दैट इज़ डेंटल एसोसिएट। तो डेंटल एसोसिएट, जैसे तुम ग्रेजुएशन तुम्हारी कंप्लीट होती है तुम किसी डेंटिस्ट के अंडर लग जाओ। ओके, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल एसोसिएट। तो नियर बाई एरिया में कोई भी एस्टेब्लिश डेंटिस्ट है, अच्छा, काफ़ी अच्छा, ऐसे नहीं कोई नहीं कोई फ्रेश ही आके लगा है, कोई भी अच्छा एस्टेब्लिश डेंटिस्ट है उसके अंडर तुम लग के 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर्स और मे बी मोर देन दैट तुम उसके अंडर लग के अपना काम सीख सकते हो, तो अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, अपने हाथ में और रिफाइनमेंट लेके आ सकते हो। तो दैट इज़ डेंटल एसोसिएट। ओके, सो आफ्टर दैट पीरियड आफ्टर 6 मंथ्स और मे बी मोर देन दैट, तो उसके बाद तुम अपनी प्राइवेट डेंटल क्लिनिक खोल सकते हो। ओके, तो ये थी सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ डेंटल एसोसिएट। सो अब बात करते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस, दैट इज़ प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। सो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने मेरी अब ग्रेजुएशन हो गई अब तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे PG करनी है, इसको MDS करनी है तो ही मैं जाके क्लिनिक अपनी खोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। काफ़ी जने आजकल का न्यू ट्रेंड है जैसे ही BDS खत्म हो रही है वो BDS करने के बाद अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं। प्राइवेट क्लिनिक खोलने के बाद ड्यूरिंग दैट टाइम वो क्लिनिक खोलने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको डिस्कस करूँगा वो क्लिनिक के साथ साथ कुछ छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेज या वर्कशॉप्स करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ जो है तुम्हारी डेंटल वर्कशॉप्स या फिर डेंटल डिप्लोमा कोर्सेज जो 6 मंथ्स के आते हैं। तो अब बात करते हैं उसकी, तो जिसने आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, MDS नहीं करनी, वो क्या कर सकते हैं, वो आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल लें। प्राइवेट क्लिनिक खोलने के बाद वर्कशॉप्स अटेंड कर लें,
क्लिनिक में होते होते ही लाइक 6 months के आते हैं, 2-3 महीने काफी वर्कशॉप्स और डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है आफ्टर कंप्लीटिंग। जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन होती है अपनी क्लिनिक स्टार्ट करें, साथ साथ में ये डिप्लोमा कोर्सेज वो कर सकते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज 5th ऑप्शन जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज टोटली नॉन क्लिनिकल वर्क। अब ये नॉन क्लिनिकल पार्ट की तरफ आती है, इसको मैं नॉन क्लिनिकल के अंडर आपको बताना चाहूँ, MPH और MHA। ओके, तो आपको पता ही होगा काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी MPH कर रहे होंगे जैसे कम्प्लीशन अपनी कंप्लीट होती है उनकी ग्रेजुएशन, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो साउथ में जाके मणिपुर यूनिवर्सिटी में से MPH कर रहे हैं। MHA इज मास्टर्स ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस दो टॉपिक्स के बारे में आपको पर्टिकुलरली अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, इसके क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है और ये नया टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी जनों को जानना चाहते हैं कि मैं BDS करने के बाद ये कर सकता हूँ, MHA और MPH कर सकता हूँ, इसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। मानोगे नहीं यार फ्रेंड्स, अब MPH है जो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं। इवन MPH करने के बाद तुम बाहर भी जा सकते हो और तुम्हारी कंपनी, कुछ कंपनीज भी ऐसे होते हैं जो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारी प्लेसमेंट बाहर कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह या US जाके तुम्हारी प्लेसमेंट कर देती है। तो ये एक रिसेंटली ट्रेंडी ऑप्शन है ये भी। सो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है डेंटिस्ट्री इन अब्रॉड। काफ़ी स्टूडेंट जैसे ही उनकी कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन BDS में, तो वो सोचते हैं कि मैं डेंटल प्रैक्टिस अपनी US या फिर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाके प्रैक्टिस करूं या अपनी क्लिनिक वहीं पे जाके एस्टेब्लिश करूं। तो नीड नॉट टू वरी, उसका भी एक ऑप्शन है कि आके तुम उसके लिए अपने अपना पेपर दे सकते हो, वेरियस पेपर्स आर देयर अपनी कंट्री के हिसाब से। जैसे कि तुमने US जाना है तो उसके लिए अलग पेपर है, कनाडा के लिए अलग पेपर है, DDS, NBD, काफ़ी अलग अलग पेपर्स हैं हर कंट्री के हिसाब से, तो तुम उसको देना है और तुम अपनी जाके वहाँ पे क्लिनिक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अब्रॉड के अंदर एक कैटेगरी है, एक ऑप्शन है, दैट इज तुम अपनी अगर डेंटल प्रैक्टिस खुद करना चाहते हो वहाँ जाकर। ओके, सो बात कर लेते हैं डेंटिस्ट्री अब्रॉड के एक और ऑप्शन के बारे में, दैट इज़ कि तुम वहाँ जाके यहाँ से स्टडी वीज़ा के लेके जा सकते हो बाहर कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या US में, तुम स्टडी वीज़ा पे जा सकते हो और वहाँ पे जो तुमने कोर्स चूज़ करना है वो तुम्हारा डेंटल हाइजीनिस्ट का होता है, डेंटल एसोसिएट का होता है। बट मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो आपको दो कोर्सेज के बारे में बताया, दैट ये UG कोर्स हैं और तुमने इंडिया में भी अंडर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन तुमने कर लिया, तो वहाँ जाके तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चूज़ करना पड़ता है, करते हो मतलब मोस्टली जो तुम्हारे तुम्हें कोई भी गाइड करता है वो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए करता है। जो तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है उसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन BDS। ओके, वो जा रहा है मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के लिए। तो मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइंस का कोर्स है, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, इट इज़ ऑफ 2 ईयर्स। तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का है, इसको कंप्लीट करने के बाद वो उसको वहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, वर्क परमिट के ड्यूरिंग वो अपना PR की फाइल लगेगा, उसके बाद वो इक्विवेलेंट एग्जाम वहाँ पे जाके भी दे सकता है अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग ये 2 या 3 साल बाद। ओके, तो ये डेंटिस्ट्री से थोड़ा गैप होता तो एक सेफर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो 2 या 3 साल बाद वो वहाँ पे जाके जो उसने इस चीज़ के लिए पढ़ाई की है, जो भी और कोर्स के लिए उसने पढ़ाई की है, किसी ने भी पढ़ाई की है, तो उसमें ही एक्सेल कर लेगा। बट एक ये भी ऑप्शन है, तो जो सेफर ऑप्शन है जो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, ये है कि तुम यहाँ से ही इक्विवेलेंट पेपर देके जाओ। ओके, कहीं कभी कंट्री का, जैसे तुम्हें US जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है और कनाडा जाना है। तो ये था डेंटिस्ट्री अब्रॉड का 2nd ऑप्शन के अंडर। ओके, अब एक और सब ऑप्शन आती है, दैट इज़ तुम बाहर जाके MPH और MHA वगैरह भी कर सकते हो, जैसे आपको बताया जो इंडिया में भी है। ओके, इंडिया में कहा जाता है कि इसकी थोड़ी कम वैल्यू है, बट ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में इसकी कम वैल्यू है, हाँ एज कंपेरिजन टू बाहर, मतलब बाहर की कंट्रीज से ज़्यादा वैल्यू नहीं है इंडिया में, पर बाहर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो तुम ये ऑप्शन भी ले सकते हो। सो आई होप आपके साथ मैंने काफ़ी सारी ऑप्शन कर दी हैं जितनी मेरे नॉलेज में है और जो मेन है। ओके, और भी ऑप्शंस होंगी, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी लग सकते हैं या फिर डेंटल असिस्टेंट या डेंटल असिस्टेंट्स के साथ साथ काफ़ी और सेक्टर बहुत ऑप्शन हैं, और काफ़ी वीडियो में आप जब बाद में देखोगे कुछ और ऑप्शंस भी इंक्लूड हो जाएं। सो ये कुछ मेन ऑप्शंस ही ओके जो मैंने आपके साथ बताने की कोशिश करी है, ओवरव्यू दिया है और थोड़ा साथ में उसके बारे में बताया भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और यस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए हो, वीडियो के अंदर जो मैंने ऑप्शंस बताई हैं MHA, MPH या फिर बाहर के डेंटिस्ट्री इन अब्रॉड के लिए कोई भी टॉपिक के लिए चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगा। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।